आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडल बैक वर्कआउट। जैसा कि कल हम लेकर आए थे अपर बैक वर्कआउट, तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी मिडल बैक वर्कआउट के लिए। तो जो भी भाई ने अभी तक अपर बैक वर्कआउट नहीं देखा है वो हमारे चैनल में जाकर अपर बैक वर्कआउट भी दे सकता है। और आज की जो वीडियो है वो है मिडल बैक के लिए। तो और जो भी भाई अभी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि आपके पास तक हर रोज़ वीडियो आ सके और एक अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिल सके। ओके दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं मिडल बैक वर्कआउट की तरफ। जैसा कि दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, हर वर्कआउट में वेट को बढ़ाते चलना है और सेट हमारे रहेंगे 4 और रैप रहेंगी हमारी 12 सेट। यानी हर वेट को बढ़ाते चलना है हर सेट पर और हमारी रैप जो रहेंगी सेम 12। ओके दोस्तों, ये हमारी हुई फर्स्ट वर्कआउट। और सेकंड वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोबारा से वही बात जो मैंने अपर बैक वर्कआउट में बताया था आप लोगों को, कि जिस भी भाई का जो भी पार्ट वीक हो ये वर्कआउट है उनके लिए है। किसी का अपर होता है तो किसी का मिडल तो किसी का लोअर बैक की भी वर्कआउट आएगी, लेकिन अभी हम मिडल बैक वर्कआउट बता रहे हैं दोस्तों। तो आपका जो भी पार्ट वीक हो आप हफ्ते में एक बार उसे ट्रेंड करें। जिसका मिडल हो वो मिडल करे, इसका अपर हो वो अपर करे। ओके दोस्तों, चलिए सेकेंड वर्कआउट की तरफ। तो सेकेंड वर्कआउट के लिए हमें मशीन की जरूरत होगी और ये वाला हैंडल चाहिए इसके लिए, मिडल बैक के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ से अपना वेट सेट कर लें, लेकिन हर सेट में वेट बढ़ाते चलना है। जैसा कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ, हर सेट में अपना वेट बढ़ाना है, रैप हमारी रहेंगी 12। ओके दोस्तों, अब वर्कआउट देखिएगा किस तरीके से हम लगाएंगे। दोस्तों, ये हमारी सेकंड वर्कआउट। चलिए नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जुड़े रहें, काफ़ी आनंद आने वाले हैं। दोस्तों, इस वर्कआउट के लिए हमें इस तरीके से रोड, कोई भी जिम में कॉर्नर हो आपके, कॉर्नर में आप लगा सकते हैं इसको। रोड को इस तरीके से ये हमारी लगी हुई है और हमें इस हैंडल की जरूरत होगी इस वाले की। चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज करके बताते हैं।
दोस्तों, जैसे कि वेट बढ़ाते ही चलना है इस तरीके से मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। तो ध्यान में रखते हुए रेप हमारी रहेगी 12, वेट को बढ़ाते चलना है। चलिए नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जिसमें हमें 2 डंबल की जरूरत हुई, डंबल ले देती हूँ। ले लिए हैं हमने और हमें यह चीज जरूरत होगी जो कि हम अपर चेस्ट के लिए जरूरत लेते हैं। तो इस बेंच पे हम वर्कआउट करेंगे। एक दिया दोस्तों, जो अभी तक हम एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं दोस्तों, वो सारी एक्सरसाइजें मिडल बैक के लिए हैं। आपका जो बैक 3 पार्ट में होता है, अपर बैक, मिडल बैक और लोअर बैक। अपर बैक की वीडियो मैं दे चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मिडल की मैं बता रहा हूँ और लोअर की नेक्स्ट वीडियो होगी आपके लिए। हो गए दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। आइएगा दोस्तों, इसमें जो है हमें इस वाली रॉड की जरूरत होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको एक्सरसाइज करके बताते हैं। इसमें जो है हमें हाथों को पास में रखना है इस तरीके से, और ये रहेगा हमारा पोर्शन। चलिए हमारा हुआ वर्कआउट समाप्त। तो ये रहा हमारा मिडल बैक। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे लोअर बैक के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और दोस्तों कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, और धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें लोअर बैक के लिए।